हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी, उसको एक बच्चा भी बना ले, ठीक है? वो कमल का जो फूल होता है ना, उसकी कली बनाना है, बता रही हूँ। और कल परसों मैं आपको कमल का फूल बताऊंगी, ठीक है? इसमें दो कलर ही मेनली चाहिए। और अब अपने शुरू हो जाते हैं। ये तीन तरह के जो है ना, आपको डिजाइन बता देती हूँ फटाफट, आप देखो, ठीक है? सबसे पहले ना इसमें व्हाइट कलर लेंगे, व्हाइट कलर। सॉरी, मैं ना अपने पास रखना भूल गई कलर। अब देखो, अपने ऊपर से शुरू करेंगे। पहले ये छोटी सी सिंपल सी कली बनानी है, ठीक है? अब रेड कलर, मतलब सॉरी, पिंक रेड मिक्स है। अभी एक बार अपने इसको बना रहे हैं, फिर इसकी फिनिशिंग करेंगे धीरे धीरे। अब ब्रश को मैंने धो लिया, अब यहां पर आ जाओ। एक छोटी सी कली ही है। अब ये देखो मिक्स, ये दो तीन शेड बन गई। अब ये बनाएंगे। अब फिर वही प्रोसीजर, व्हाइट कलर लेंगे। व्हाइट कलर लेकर ये देखो, व्हाइट कलर लेकर एक ऐसे कर देंगे। ये थोड़ी सी कली है ना, ये अभी मतलब ओपन हो रही है, ये देखो इसका तरीका, देखो बनाने का। ये देखो, अब एक कली जो है ना इधर बनाएंगे। ये देखो, अब वही पिंक कलर लेंगे। ये देखो, जैसे इसमें तो सारा मिक्स हो गया ना, इसमें हमने मिक्स नहीं करना, कहीं कहीं ना व्हाइट भी दिखने देना है, ठीक है? ये देखो, जैसे कहीं कहीं व्हाइट भी दिख रहा है ना, ऐसे व्हाइट भी दिखने देना है। और ठीक है, इसमें अब जो थोड़ा सा व्हाइट दिखना चाहिए था ना, वो मिक्स हो गया, तो उसको बाद में भी कर सकते हैं ऐसे व्हाइट, थोड़ा थोड़ा जैसे सूख जाए ना तो व्हाइट कर सकते हैं। अब हम जो पत्ते हैं ना इसके, वो बनाएंगे। ये पत्ते ना मैंने 8 नंबर के ब्रश से किया था, अब ये मेरे पास 6 नंबर का कोमेट का ब्रश है। और ये देखो, ये मैंने येलो, व्हाइट और ग्रीन, ये 3 कलर मिक्स हैं। कभी येलो, व्हाइट, ग्रीन, 3 कलर मिक्स हैं। और कभी सिंपल सीधा ग्रीन ले लेती हूँ मैं, कभी ये जो तीनों कलर मिक्स है वो ले लेती हूँ। जैसे अब मैंने व्हाइट और येलो और मेहंदी कलर होता है ना, मेहंदी ग्रीन कलर, वो ले लिया। बस इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। और 6 नंबर का ये कोमेट का जो है फ्लैट ब्रश है। अब इसको कहीं लाइट कहीं डार्क ऐसे फिल करना है। ये देखो, ऐसे मल्टी कलर आने चाहिए। इसको आप गीला भी कर सकते हो, गीला करने से ना मिक्सिंग जो है बहुत जल्दी से होगी। ये देखो,
ये देखो ये मिक्सिंग हो गई। अब मेहंदी कलर में हल्का सा ब्लैक कलर मिला के वो ब्लैक कलर से ऐसे आउटलाइन कर देंगे। ये देखो ये मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग हो रही है ये। अब इसको जो है अब धीरे धीरे इसको मिक्स हो जाने दो। अब इसकी जो है ना ये जो डंडियां हैं वो बनाएंगे डंडियां। अब इसके डंडियां बनाएंगे। ये अब इसके ये जो है ना पत्ते, पहले पत्ते बनाएंगे और फिर इसकी डंडिया। डंडी में जो है मैंने ब्लैक कलर लिया है, ये देखो ये ब्लैक कलर, ब्लैक कलर और ये मेहंदी कलर मिक्स लिया है। ये देखो अब इसको ये देखो अब जैसे ये ब्रश चलाते चलाते जैसे ये बाहर निकल गया ना, उसको थोड़ा सा पत्ते को बढ़ा देंगे, पत्ते को बढ़ा के और ऐसे धीरे धीरे से ना फिनिशिंग कर देंगे इसकी। अब बारीक ब्रश से भी आप जो ब्लैक कलर मिक्स हो गया कहीं कहीं ऐसे बारीक बारीक लाइनें भी लगा सकते हो। ये देखो ठीक है। और ये जो छोटे वाला ये नीचे ये पत्ता है इसको भी ऐसे फिनिशिंग कर सकते हो। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा जो मेरा हाथ हिल गया था वहां पे लास्ट में भी आप फिनिशिंग कर सकते हो इससे ब्लैक से। ये देखो ठीक है। अब इधर वाला पत्ता बनाएंगे। अब वही टेक्निक अपनानी है जो पहले अपनाई थी, येलो व्हाइट और ग्रीन, इसको ऐसे मिक्स करेंगे ठीक है। ये मैं आपको जो है ना तीनों डिजाइन इसलिए बता रही हूं कि अगर एक बार पत्ता ना बनाना आए तो दूसरी बार में समझ आ जाएगा। कभी तो खाली मेहंदी कलर ले लेंगे ठीक है, कभी येलो कलर ले लेंगे और ऐसे देखो मिक्स कर दिया इसको। जरूरी नहीं है इतना ही, ये भी इतना ही आकार का ये जो पत्ता बनाना है इसको थोड़ा छोटा बना दो, उसको थोड़े बड़े बना दो, ऐसे अलग अलग। अब ये देखो बन गया। अब ये ब्लैक कलर जो है ना, पूरा ब्लैक कलर नहीं है ये, मेहंदी मिक्स कलर है। ये देखो ऐसे इसके अंदर मिक्सिंग कर देंगे। ये देखो मिक्सिंग हो जाएगी। अब उसी तरह से ही जैसे अब इस ब्रश को रख दिया मैंने, वो 8 नंबर वाला गोल ब्रश ले लिया। अब यहां पर जो पत्ते जो नीचे से होते हैं छोटे छोटे वो पत्ते से बनाएंगे। ये देखो ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ऊपर को कर देते हैं। और फिर नीचे को ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है ना। अब
ब्लैक कलर ऐसे करके, और ये इस तरह से ये नीचे की तरफ डंडी ले आएंगे, ये इधर आ गई एक डंडी, ये देखो अब ये एक इधर को चली जाएगी, ठीक है ना। ये आराम से ये जो जॉर्जेट का कपड़ा होता है ना उस पर थोड़ा सा आराम आराम से, जल्दी जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये फिर ऐसे बाहर निकल जाता है। ये तो अब जब फाइनल करेंगे ना इसको धीरे धीरे फिनिशिंग करेंगे। अब ब्लैक लाइन वाली जो है ना एक बार दोबारा फाइनल। अब हमने एक ये दो जो है यहाँ पर भी बनाने हैं। अब इतने में ये जो कलियां है ना वो सूख चुकी हैं, उसकी फिनिशिंग बता देती हूँ पहले, फिर ये लिव है, जितने में ये सूख जाएंगे अब वहां बनाएंगे, फिर उसकी बनाएंगे। अब जो रेड कलर सॉरी पिंक कलर लिया था ना उसमें हल्का सा ब्लैक मिला देंगे, थोड़ा डार्क हो जाएगा ये। ये देखो ये जीरो नंबर के ब्रश से आउटलाइन कर रहे हैं, ये पिंक कलर से आउटलाइन नहीं कर रहे, ये हम कर रहे हैं रेड के अंदर थोड़ा सा वो जो ब्लैक कलर मिलाया, ये इसकी फिर फाइनल टच हो जाएगा। ये देखो ये हम इसका फाइनल टच कर रहे हैं, ये देखो धीरे धीरे अब ये इसके अंदर देखो आप ठीक है। और अब एक इधर जो देखो आप ये देखो अब जो ये पत्ते वगैरह ना उसके ये ब्लैक कलर से बारीक ब्रश से ऐसे ना फिनिशिंग कर देंगे। अब ये गीला है अभी, इस पर ना गोल्डन कलर से भी एक 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 डंडी पर गोल्डन कलर से आउटलाइन भी करनी है। अभी जब सूख जाएगा ना जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो गोल्डन कलर इससे ना थोड़ा सुंदर बन जाएगा। ये देखो ये देखो गोल्डन कलर से इसकी आउटलाइन कर देंगे। आप इस गोल्डन कलर की जगह ना लेस भी लगा सकते हो, बारीक लेस आती है ना जो, वो भी लगा सकते हो लगाना चाहो तो। अब वो जो वो एक वो ऊपर है बस वही लगाए गए हैं, और इसके जो ऊपर ऊपर सबसे ऊपर फिर ये सारी कलियां कलियां डलेंगी। ये इसकी लेंथ है 48 शर्ट की, बस ये तीन फूल बना के और ऊपर जो स्पेस है उसके अंदर जो है ना ये कलियां कलियां बनेंगी सारी, सिर्फ कली कली। और इसका दुपट्टा जो है वो मैं कल कर बनाऊंगी। क्योंकि दुपट्टा अभी जो है मेरे पास है नहीं, डाई होने गया है, तो वो कल तैयार करूंगी मैं।
अब मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं, सुबह भी फोन आया कि बिना हमें पेंटिंग सिखा दो, पेंटिंग प्लीज। मैंने आपको पहले भी मना किया हुआ है कि आप ना जितना हो सके मुझे फोन कम किया करो और व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो, क्योंकि अगर जब मैं फ्री होती हूँ फोन उठा लेती हूँ तो इतनी इतनी देर बात होने से मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है सारा और मेरा काम भी लेट हो जाता है और बात कोई करनी नहीं होती, बस यही पूछना होता है पेंटिंग सिखा दो, आपको मिलने आना है, ये ऐसे है। तो मेरे जो है ना को अब देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी को भी पेंटिंग सिखाने का, मेरा जो खुद का काम ही नहीं हो पाता, मैं पेंटिंग कैसे सिखाऊं, जो मेरा पेंटिंग का काम खुद का है वो करने में इतना टाइम लग जाता है और ऊपर से मैं ये यूट्यूब पर ये सिखा रही हूँ आपको, तो आप वहीं से ही सीखो यूट्यूब से, घर पर भी मैं वैसा ही सिखाऊंगी जैसा ये बता रही हूँ। ये देखो ऐसे इसको मल्टी कलर से ऐसे मिक्सिंग सी दे दो, अब इसके अंदर वही ब्लैक वाली डार्क लाइंस, एक बार तो ये मैंने ऐसे कर दी ठीक है, और फिर धीरे धीरे इसकी फिनिशिंग करते हैं। अब इसको ब्रश को धो के इसको मिक्सिंग करेंगे ऐसे, ताकि ये इसके अंदर ही ऑब्जर्व हो जाए कलर ना, ऐसे लगेगा कि इसके अंदर ही ये पत्ते के अंदर ही शेडिंग है। अब बस ऊपर वाले फूल की डंडी बना देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं इसकी भी डंडी बता देती हूँ आपको, ये देखो अब मोटा मोटा तो आपको आइडिया आ ही गया बनाने का। फिर आपको जैसे जैसे ये अब सूख जाएगा, गीला है, जैसे जैसे सूख जाएगा इस पर मैं अगर जैसे लगेगा उसी हिसाब से फिनिशिंग करती रहूंगी। ओके फ्रेंड्स, अब ये सारा तीनों इकट्ठे देख लो आप ये डिजाइन, और यही मैंने एक जो है ना बाजू पर बनाया है, ये देखो ये बाजू पर बनाया है, और ऊपर ऊपर जो है ना छोटी छोटी कलियां बनाऊंगी बस मैं, यही सिंपल सा डिजाइन है, यही सारा ऑल ओवर दुपट्टे पे बनाऊंगी। और मेरी वीडियो को विनती है लास्ट में, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे ऐसे ही फिर मैं आपको जो है सारी जिंदगी सिखाती रहूं, जो जो मेरे पास सूट बनना आएगा वो डिजाइन तो मैं सिखाऊंगी, और जो पुराने कई कह रहे हैं ना ये सिखाओ वो सिखाओ, वो जब मैं फ्री टाइम होगा वो सिखाऊंगी, तो है ना। ओके फ्रेंड्स, बाय।